थंबनेल पढ़ के आप लोग ये तो समझ गए हैं कि ये पीठा हो या पुआ हो किससे बना है। शकरकंदी से। दोस्तों ये इतना सॉफ्ट बना है कि हमारे घर के छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो खुशी से एंजॉय कर सकते हैं, चाहे शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता। जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल चिली स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों आप सबके लिए आज एक बहुत ही अनोखी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, शक्करकंदी से बनी पुआ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम शक्करकंदी लिया था। अच्छे से धोने के बाद ऐसे दो हिस्सों में काट के इसको मैंने 2 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगा ली थी। अभी ये ठंडा होने के बाद इसका हम छिलका निकाल लेंगे और छिलका निकालने के बाद इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। चाहे आप ऐसे कांटे वाले चम्मच से कीजिए या फिर आप ग्रेटर से इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ग्रेटर से ग्रेट करने से इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जिससे आपका डो परफेक्ट बनेगा। शकरकंदी मैंने मैश कर लिया। मसाले के लिए आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, एक बड़ी इलायची और 5 से 6 लौंग। बड़ी इलायची की यहाँ पे हम सिर्फ सीड्स लेंगे, छिलका नहीं लेंगे, और ये जो डो बनाने के टाइम पे इसका मैं पाउडर बना लूँगी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे 1 कप पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के आधा कप हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। मीठा को एनहांस करने के लिए जैसे कि मैं बताती हूँ, 1/4 छोटा चम्मच नमक, और फ्लेवर के लिए 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, और उसके साथ 1/3 कप में यहाँ पे ताज़ा कसा हुआ नारियल डाल रही हूँ। पानी उबलते उबलते मैं वहाँ पे पाउडर बना ली थी जो मसाला आपको दिखाई थी, उस मसाले पाउडर का भी डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये उबलते हुए पानी में जो शकरकंदी हमने मैश करके रखा था उबाल के उसको डाल देंगे। उसको डाल के इस पानी में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे 200 ग्राम शकरकंदी के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है, लेकिन 1 कप सूजी के लिए हमें 2 कप पानी चाहिए। जब मैं शकरकंदी मिक्स कर रही हूँ 1 कप पानी डाली थी, उसलिए थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। मैं 1 कप और गर्म पानी डाल रही हूँ। आप पहले से अगर 1 कप सूजी ले रहे हैं तो 2 कप पानी पहले से ही डाल के उबाल लीजिए। अभी हमें वेट करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद कि इसमें अच्छे से एक उबाल आए। अभी जब उबाल आ गई है फ्लेम को पूरा लो कर देंगे। फ्लेम को लो करके इसमें अभी मैं 1 कप रवा डालूंगी। ये मेरी बारीक वाली रवा है, लेकिन आपको अगर रवा नहीं डालना है, आटा या फिर मैदा से करना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन सारा मेजरमेंट सेम रहेगा। थोड़ा थोड़ा एक हाथ से डालते रहेंगे और दूसरे हाथ से ऐसे हम कड़छी चलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा हमारी डो में गुठली नहीं बनेगी। अब देखिए मैंने सारा डाल दिया और धीरे धीरे हमारी जो रवा है पानी को एब्जर्व करके एक डो बन गया है। ये प्रोसीजर सिर्फ 1 मिनट का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डो जब ऐसे बन जाए इसमें बस आप 1 छोटा चम्मच घी डालिए। घी डाल के इस बैटर को फिर से मिक्स कर दीजिए घी के साथ, जिससे क्या होगा जब हम डो लगाएंगे हाथ में लगने का चांसेस कम रहेगा और डो में चिकना हटा जाएगा। तो डो तो तैयार हो गया। अब इस डो को हमें ठंडा करने के लिए एक परात में ट्रांसफर कर लेंगे। चलिए फिर परात में ट्रांसफर करके इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। 20-30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ठंडी में तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, गर्मी में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा फैला दीजिए, जल्दी हो जाएगा। अभी ठंडा हो गया है। हाथ से पहले हल्का सा हमें इसको लगाना पड़ेगा, 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से ऐसे लगाना पड़ेगा। हाथ में अगर चिपके तो आप हाथ को घी से ऐसे ग्रीस करके भी आप इस डो को लगा सकते हैं, या थोड़ा पानी का हाथ हो के भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपके हाथ में ये डो स्टिकी नहीं होगा। डो हमारी तैयार है। अभी चलिए इसकी हम अभी पुआ बना लेते हैं। पुआ बोलिए या पीठा, है बहुत हेल्दी है ना दोस्तों। एक ऐसे छोटी सी लोई लेंगे, छोटी नहीं, आप देख लीजिए मैंने कैसे थोड़ा सा मीट, मतलब एक रोटी जो बनाते हैं उससे हल्का सा बड़ा था मेरी लोई, उसको हाथ से ही ऐसे फ्लैट करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ी सी पतला करके फ्लैट की हूँ। इसका नतीजा, इसका जो दुर्घटना मेरे साथ घटी वो आप आगे देखिए। एक छोटी सी पुआ पहले डालेंगे, बहुत छोटी सी, ताकि तेल गर्म हुआ है कि नहीं पता करने के लिए। अगर ये तुरंत ऊपर ऐसे उठ के आ जाता है तो आप समझ लीजिए आपका तेल परफेक्ट गर्म है। इसको निकाल लेते हैं और चलते हैं हम अपनी जो पुआ तैयार किए थे उसको बनाएंगे। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने डाली,
और डाल के इसको हमें, ये एक पुआ बनने के लिए 6 से 7 मिनट का टाइम मिलेगा। पलट देंगे। पलटने के बाद आप ध्यान से देखिए, साइड से ये धीरे धीरे जो क्या होता है खुलने लगा है, जिसके वजह से मुझे अभी इसी स्टेज पे आप देख रहे हैं तेल में थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है। प्रॉब्लम तो मुझे बहुत हुई क्योंकि ये पुआ मेरा पूरा खुल गया। इसको मैं तुरंत निकाल लेती हूँ वरना तेल खराब हो जाएगा। ये पुआ मैं जिनसे रेसिपी ली थी, जो दीदी मुझे रेसिपी बताए थे, मैंने तुरंत फोन किया, उनकी हेल्प से ये पुआ फिर से ठीक हो गया। वो बोले शायद शक्करकंदी मैश करने के टाइम में गुठली रह गई होगी, और सही में वही हुआ था। जब मैंने अच्छे से फिर से उस आटे को लगाया और उसके बाद मैंने पतला ना करके हल्का मोटा मोटा बनाया, तब मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। आपने देखा, मैंने आटे को फिर से लगाया, लगा के अब पुआ बना रही हूँ और फ्लैट करके ज़्यादा बड़ा मैं नहीं कर रही हूँ। उसी तेल को मैंने छान लिया और अब उसमें हम इस पुआ को तलेंगे, और ये पुआ कितना अच्छा बना जो आपको मैं पहले दिखा चुकी हूँ। मेरी जो चैनल है दोस्तों, इसमें मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ। अगर मैं जो पुआ मेरा ऐसे खुल गया, जो पीठा मेरा ऐसा खुल गया, अगर मैं वो पार्ट नहीं दिखाती और आपका खुल जाता तो आप लोग कितना परेशान होते, मुझे बहुत बुरा लगता। उसीलिए मैं जानबूझ के जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया और उस प्रॉब्लम से कैसे उभरी, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का प्यार मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और हाँ, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। 6 से 7 मिनट, हर 1 से 1.5 मिनट के बाद हमें पलटना है, और 6 से 7 मिनट के बाद ये पुआ हमारा ऐसे पूरा ब्राउन कलर होके तैयार हो जाएगा। तेल ज़्यादा ना गर्म हो जाए, उसीलिए इसको होल्ड पे रख के उधर देखिए मैं छोड़ और पुआ तेल में डाल रही हूँ। दोनों तरफ से कितना अच्छा कलर आ गया है। गरम गरम पुआ आलू की सब्जी के साथ हो या प्लेन, खा के देखिए। तो दोस्तों, पुआ पूरा तैयार हो गया है। अब इसको हम अपनी किचन टॉवल में निकाल लेंगे और आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। कैसा लगा ये हेल्दी सा पुआ, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। आशा करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। नई रेसिपी के साथ फिर से मिलती हूँ। थैंक यू प्रतिमा।